हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तुम पागल हो क्या? वहाँ पर तो हम लोग का स्थान है ना। अच्छा, और कुटिया में चल रहे हैं, स्पेशल इलाज कुटिया में होता है ना। हाँ, वहाँ पे तो केवल झाड़ फूंक होता है, ये मतलब। हाँ, स्पेशल इलाज जो होता है कुटिया में, कुटिया में होता है। हाँ, चलो 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 चलो। बच्चा ये रहा हमारा कुटिया। बाबा ये रहा कुटिया। हाँ, देख रहे हो, यहाँ पर हम विश्राम करते हैं। हम सोचे बाबा वीआईपी कुटिया होगा आपका। अच्छा, अरे वीआईपी से हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो अपना काम चलाना है, क्या चेला। हाँ गुरुजी, सही बात है। ज्यादा वीआईपी बना देंगे ना तो लोग देखेंगे तो जलेंगे कि बाबा मतलब लोगों को लूट रहा। ओ, ज्यादा पैसा। हाँ, आओ ना, बैठो ना। ठीक है, आओ आओ बैठो। तुम्हारे घर पे जानते हो क्या परेशानी? क्या परेशानी हुआ? तुम लोगों का धन जो बढ़ रहा है ना। हाँ, वो दुगना बढ़ रहा है। वो मतलब बगल वाले को देखा नहीं जा रहा है। ओ, इसी तो मैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर मोटरसाइकिल हो, तुम्हारे घर चरपहिया हो, तुम्हारा घर बने, तुम अच्छा से कपड़ा पहनो। तुम्हारी ये भाभी है ना। हाँ, वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी भाभी इतना महंगा महंगा कपड़ा पहने। ओ बाबा, ये सब बात। हाँ, जलन है, जलन जलन है। हाँ, उसको जो है नजर उतारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा उस नजर। तो बाबा जो भी ये कीजिए तो भाभी को ठीक कीजिए। अरे हम ठीक कर देंगे ना, तुम्हारा टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्या है कि चला। हाँ गुरुजी, दिन देखो कौन दिन खाली पड़ रहा है। मान लो कि शुक्रवार को तो उधर जाना है बिहार में। हाँ, बिहार जाना है। और सोमवार को तो उधर जाना है गोरखपुर। हाँ। और बीच में बच रहा है देखो बृहस्पतिवार को देवरिया जाना है, जाना है। और मंगलवार बच रहा है ना, मंगलवार को तो कहीं नहीं जाना। ना, मंगलवार को कहीं जाना, वो खर दिन होता है ना। हाँ, वो कम है ना, हनुमान जी का दिन पड़ रहा है मंगलवार। हाँ, उस दिन। अच्छा, हम तुम्हारे घर पे आएंगे और तुम्हारे घर में जितना भूत पिशाच बैठे हुए है ना, सबको होम जाप करके सबको जला देंगे। ठीक है, हॉल पे जाकर दीजिए। एकदम एकदम जो भी खाते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तत्काल में ना। बताइए हुआ, तत्काल में बाबा जो कहता है उसको करना पड़ेगा। बताइए हुआ, क्या क्या आपका मैसेज सुना? चला। हाँ, शिव मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ हाँ, अरे हम लोग जहाँ झाड़ फूक करते हैं वहाँ नहीं। हाँ हाँ, वहाँ पे शिव मंदिर के पास। हाँ हाँ, चले जाना। और वहाँ एक नीम का पेड़ है, एक सिरफल का पेड़ है, ठीक है, चंदन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के जड़ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेके आना, ठीक है, मैं मिट्टी ला दूंगा। हाँ हाँ, चला। हाँ, इसको जाओ साथ में। हाँ, और इसके हाथ से लाना है, तुम केवल बता दे। हाँ हाँ हाँ, जाओ लेके आओ। बाबा आई तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाभी से? अरे तो हम यहाँ पर है कुटिया में, तुम्हारी भाभी एकदम सुरक्षित है। ठीक है, इनका ध्यान रखा होगा। अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ लेके आओ। ठीक है, अब बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मंगलवार को हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जाओ। जल्दी से आना बच्चा, बैठो बैठो। वो क्या है ना, केवाड़ी को थोड़ा लगा देते हैं। दरवाजे क्यों बंद किए हैं? अरे नहीं समझती हो, इसलिए बंद किए हैं ना कि हम तुमको जो है शांति में एकांत में देखना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, बाबा शांति में देख लेगा ना। हाँ? तो तुम्हारा सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। हाँ? समझती बात को। तुम्हारा देवर और मेरा चेला गए हैं सब मिट्टी लाने ना। हाँ? तब तक के लिए मैं तुमको जो है एकदम से जो जो परेशानी होगा चुन चुन के खत्म कर दूंगा। समझ रही हो बात को ना? अच्छा? हाँ। एकदम चुन चुन के खत्म कर दूंगा, लेकिन वो है कि जैसा जैसा बाबा कहता है ना। हाँ? वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, समझी बात को। परेशानी दूर करना चाहती हो ना? हाँ। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्ची। तो जो बाबा कहा है समझी हो ना? हाँ।
तो इधर घूमो ना, इधर घूम जाओ घूम जाओ, वैसे घूम जाओ और इस पे जो है ना अपना सर रख लो। ये किस लिए? अरे बाबा जो कहता है वैसा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा समस्या दूर होगा। अच्छा। हाँ, इस पे अपना सर रख लो, आओ आओ आओ। हाँ हाँ बच्ची, वो क्या है ना कि बाबा जो है अपने कुटिया में एकदम शांति से देखता है, जो जो परेशानी होगा ना बाबा चुन चुन के खत्म कर देगा, ठीक ना? तो इसके लिए जो है ना, वो जो तुम्हारे घर में भूत है ना, वो रात में तुम्हारे सपना में आते हैं ना, तुमको प्यार करने के लिए कहते हैं ना, तुमको ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे चुम्मा लेते हैं ना। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मतलब भूत जो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाबा सब जानता है, सब जानता है, बाबा बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक ना? ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं, अब यहाँ पर तुम हो और हम, ठीक ना? बाबा के साथ ना एक बार भोग कर लोगी ना, तो तुम्हारे तुम्हारे शरीर पे समझो कोई भूत का परछाई तक नहीं आएगा। समझी बात को? हाँ, तो वो क्या है ना कि सही से लेट जाओ सही से लेट जाओ बच्ची, भूत जो है तुम्हारे बगल में ऐसे सो जाता है, ऐसे तुम्हारे बाल को सहलाता है ना, और तुम्हारे हाथ पे ऐसे हाथ अपना रगड़ता है ना, और तुम्हारे शरीर पे ऐसे हाथ पे बाबा सब समझता है, उसके बाद भूत अपना लात जो है तुम्हारे ऊपर फेंक देता है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। छोड़ो छोड़ो ना। अरे बाबा क्या कर रहे हैं? अभी अपने देवर को चिल्लाऊंगी ना। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बच्ची, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक ना? और जो ऐसा बाबा कहता है वैसा करो, तुम्हारा परेशानी बाबा ठीक कर देगा, ठीक ना? और ये बात सिर्फ तुम जानोगी, बाबा जानेगा, नहीं तो बाबा अभी छोड़ देगा, तुमको दूना परेशानी हो जाएगा, ठीक ना? जैसा जैसा बाबा कहता है वैसा वैसा करो, ठीक ना? चुप रहना, बिल्कुल शांत रहना, समझी बात को? बैठ जाओ बच्ची, तुम समझ रही हो कि बाबा तुम्हारे साथ गलत कर रहा है? बाबा तो इतना मेहनत करके तुम्हारा समस्या ठीक किया है, किसी से नहीं बोलना है, किसी से बोल दोगी ना तो ये समझो तुम्हारा जो समस्या चल रहा है वो और दोगुना बढ़ जाएगा, ठीक है बाबा? किसी नहीं, और किसी से नहीं बोलोगी ना तो ये सारा समस्या ठीक हो जाएगा, ठीक ना? अरे उधर कमारी खोल देते हैं, लग रहा है वो लोग आ रहे हैं। आ गए बच्चा? हाँ आ गए। हाँ दो दो मिट्टी दो दो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, चला बैठ जाओ। ओम काली भगवान छप्पर, ओम रास्ता काट दे, नजर काट दे, ओम टाइम का टोन मत काट दे, ओम काली भगवान, ओम। बच्चा ये पकड़ो, इसको जो है अब ले जाके अच्छा अपने घर के मतलब ये उत्तर कोण पे अच्छा इस मिट्टी को रख देना, ठीक है? ठीक ना? उसके बाद से तुम्हारे घर में कोई भूत पिचास कोई मतलब प्रकार कोई का बाधा, हाँ कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो। हाँ मंगलवार को बाबा आएगा ना, ठीक सब कुछ ठीक कर दे। आइए हाँ 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 जाओ 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 तो चले। हाँ 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 जाओ चलो।